भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी आपको संबोधित करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जिस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का गला घोंटने का काम कर रहे हैं, इस पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने आपको निमंत्रित किया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव की तैयारियां और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 यात्राओं का आयोजन किया था, जो 7 तारीख, 9 तारीख और 14 तारीख को शुरू होनी थी। हमने 29 अक्टूबर से राज्य के गृह सचिव को, राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पत्र लिखकर इसकी परमिशन के लिए अनुशंसा की थी। उसके बाद 5, 12 और 20 नवंबर को इसके रिमाइंडर्स भेजे गए। मैं फिर से कहता हूं, 29 अक्टूबर को सबसे पहले बार परमिशन मांगी गई, जवाब न मिलने पर 5, 12 और 20 नवंबर को उसके रिमाइंडर्स भेजे गए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 14, 20 और 23 नवंबर को रिमाइंडर भेजे गए, मगर हमें परमिशन नहीं दी गई। बंगाल के अंदर राजनीतिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सरकार का और सत्ता का उपयोग कर दमन करने की जो परंपरा बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया अपना रही है, मैं मानता हूं ये घोर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र का गला घोंटने वाली घटना है। बंगाल के अंदर 7 साल जिस प्रकार से तृणमूल का कुशासन चला है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने हर मंडल में, हर जिले में जो आवाज उठाई है और जन जागृति धीरे धीरे बंगाल की जनता में जिस प्रकार से हो रही है, ममता बनर्जी उससे डरी हुई। उनके जहन में डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ये 3 यात्राएं निकलती है, बंगाल की हर असेंबली, हर मंडल में होते हुए कलकत्ते में जब इसका समारोह होगा, तब बंगाल के अंदर पूरे परिवर्तन की नींव डाल दी गई होगी। इसलिए उन्होंने ये 3 यात्राओं को रोकने का प्रयास किया है। उसके पहले पंचायत चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा कम्युनिस्टों के शासन में भी बंगाल में कभी नहीं दी गई। तृणमूल ने अपने कार्यकर्ताओं को सूत्र दिया था, जोर जार बूथ तार, मतलब जिसके हाथ में जोर है बूथ उसी के कब्जे में रहना चाहिए। क्या ये लोकतांत्रिक सूत्र है? क्या लोकतंत्र में इस प्रकार के नारों से लोकतंत्र की कभी भलाई हो सकती है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, मैं कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी के नहीं कहता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं का हत्या कर दिया गया। पंचायत चुनाव के अंदर 1341 कार्यकर्ता हमारे जख्मी हुए और कुल मिलाकर 65 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं पंचायत चुनाव के अंदर हुई। पूर्वल के त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार और जगन्नाथ टुंडू 3 मार दिए गए। मैं बंगाल की मुख्यमंत्री को स्टेटस पूछना चाहता हूं, इसमें तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नामजद थे, ये 3 केसों का क्या हुआ? क्या प्रगति हुई? कोर्ट में चलान पेश किया गया क्या? पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों इकट्ठा होकर ये राजनीतिक हत्याओं को सह दे रहे हैं। 34% सीटों पर चुनावी नहीं हुआ, कोई पर्चा नहीं डाल सका। 2 करोड़ बंगाली मतदाताओं को वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला, क्योंकि गुंडई के कारण प्रत्याशी अपना पर्चा ही नहीं डाल सके, निर्विरोध चुनाव हो गया। स्थिति यहां तक हुई
कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि व्हाट्सएप पर प्रत्याशी अपना पर्चा डाल सकता है। इस प्रकार की स्थिति का निर्माण हुआ, मगर बावजूद उसके हम 7000 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल में दो नंबर की पार्टी बने। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं पंचायत चुनाव के बाद ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है, वो घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी से घबराहट है, इसीलिए यात्रा को उन्होंने रोकने का काम किया है, यात्रा को परमिशन नहीं देने का काम किया है। जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, शिक्षा, सैंड, कोयला, केटल, इस सब जगह पे माफिया काम कर रहे हैं, बंदर पर भी, पोर्ट पर भी माफिया काम कर रहे हैं, और तृणमूल के मंत्री इसको पनाह देने का काम कर रहे हैं। राज्य में आज जगाई और मधाई हर जगह दिखाई पड़ते हैं। जगाई और मधाई एक प्रसिद्ध नाम है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु पर हमला किया था। रोहिंग्या का घुसपैठ हो और घुसपैठ हो, सब घुसपैठ को सरकारी तंत्र के आशीर्वाद प्राप्त हैं। और पश्चिम बंगाल की अपराध दर 2014 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को उठा लो तो उत्तर प्रदेश से 70% ज्यादा है और बिहार से 12% ज्यादा है। मैं मानता हूं ये बंगाल की वास्तविक स्थिति की द्योतक है। राजनीतिक हत्याओं में बंगाल कई सालों से सबसे ऊपर रहा है। एक समय पर एक रफ आंकड़ा जो एक स्टडी ग्रुप ने दिया है वो आंकड़े को अगर मान ले तो देश में 100 हत्याएं होती हैं, राजनीतिक हत्याएं होती है, उसमें से 26 राजनीतिक हत्याएं केवल और केवल पश्चिम बंगाल में होती है। ये पश्चिम बंगाल की स्थिति को दिखाने वाली बात है। सांस्कृतिक चोरियों के मंदिरों में से मूर्तियों के चोरी के देश में सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं दर्ज किए गए हैं तो बंगाल में किए गए। आतंकवाद और आतंकवाद फैलाने वाली संस्थाओं पर, संगठनों पर नकेल कसने की ना मनसा है ना नकेल कसने की क्षमता है। तुष्टिकरण के कारण पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लचर हो चुका है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आज वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। पार्टियों को तो वोट बैंक की राजनीति करते हमने कांग्रेस के जमाने से देखा है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन जब वोट बैंक की राजनीति करे तो किस प्रकार के दुष्परिणाम आ सकते हैं, इसका उत्कृष्ट उदाहरण अगर ढूंढना है तो बंगाल में ढूंढना है। ढेर सारे आर्म्स फैक्ट्रियां पकड़ी गई, बम फैक्ट्रियां पकड़ी गई, और ये कोई पुलिस के इनिशिएटिव से नहीं पकड़ी गई। बम बनाते वक्त बम फट जाता है तो पुलिस को कंपलसरी वहां जाना पड़ता है। पिस्तौल बनाते वक्त पिस्तौल फट जाती है, कोई मर जाता है तो कंपलसरी वहां जाने पड़ता है। सारी की सारी पकड़ी गई फैक्ट्रियां अकस्मात के कारण पकड़ी गई है, पुलिस इनिशिएटिव के कारण एक भी नहीं पकड़ी गई। वो बता जो बताता है कि किस प्रकार की पुलिस की कामगिरी है। जगदल, छोटा श्रीरामपुर, लड्डू कारखाना, उमसुपुर, 24 परगना, ये सब जगह पे इस प्रकार के कारखाने पकड़े गए हैं। दुर्गा विसर्जन, रामनवमी, सारे त्योहारों पर वोट बैंक की राजनीति कर प्रतिबंध लगाना, इसके रास्ते में रोड़े लाना, ये बंगाल के अंदर परंपरा बन चुकी है। हर बात पर न्यायालय में जाना पड़ता है। आपको राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए कोई यात्रा निकालनी है तो न्यायालय चले जाइए, आपको सभा करनी है तो परमिशन के लिए न्यायालय चले जाइए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन आपको परमिशन नहीं देगा। किस प्रकार का आतंक वहां पर जो फैला है वो बताता है कि जनता में कैसे आक्रोश है। महिलाओं पर अत्याचार में सबसे देश में दयनीय स्थिति बंगाल की है, मतलब 44% मानव तस्करी के मामले बंगाल में पकड़े गए हैं। डांस बारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स वही रिपोर्ट बताता है कि बंगाल का कमीशन वही बताता है कि बंगाल की स्थिति क्या है। और मित्रों, शिक्षा के अंदर भी जिस प्रकार की अव्यवस्था है, मेडिकल के दाखिले 15 लाख तक, डोनेशन एक खूबसूरत शब्द को बनाया गया है, डोनेशन देकर दिए जाते हैं। कॉलेज के इंग्लिश मीडियम के दाखिले 60,000 तक की घूस देकर दिए जाते हैं। ज्योग्राफी जैसे विषय के
ज्योमेट्री जैसे विषय के अंदर दाखले 50,000-40,000 हर चीज का रेट तय। पूरी व्यवस्था ध्वस्त हुई है और बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। ममता बनर्जी को मैं एक उन्होंने मांगी नहीं है फिर भी एडवाइस देना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की यात्राओं को रोककर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को परमिशन नहीं देकर बंगाल की जनता को संभाल नहीं सकती। इससे आपके पर गुस्सा और बढ़ेगा और मैं आज स्पष्टता से मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के दमन से डरते नहीं है। बंगाल के अंदर अच्छा शासन लाने के लिए हम कटिबद्ध है, बंगाल के अंदर परिवर्तन के लिए हम कटिबद्ध है। हमें भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जब 2019 का चुनाव होगा बंगाल की बहुमत सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये तीनों यात्रा निश्चित होगी। ममता बनर्जी को जितना जोर लगाना है उतना लगा दें, तीनों यात्रा निश्चित होगी। मैं ही जाऊंगा यात्रा शुरू करने और बंगाल के गांव गांव तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक गैर लोकतांत्रिक तरीके के ईंट की ईंट बजा देगा। हम इसको सरेंडर नहीं करेंगे, इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी बंगाल के घर घर जाकर किस प्रकार से बंगाल को एक निश्चित विचारधारा के लिए दबाया जा रहा है वो दिखाने का प्रयास कराएंगे। जो बंगाल विवेकानंद, रामकृष्ण, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस प्रकार के महानुभवों ने को देश को देने का काम जिस बंगाल ने किया, जिस बंगाल में कभी रविंद्र संगीत का हमेशा रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज वहां बम धमाके सुनाई पड़ते हैं। बम धमाकों की गूंज में रविंद्र संगीत दब गया है और बड़ी वेदना के साथ मैं कहना चाहता हूं हम इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और ये यात्रा निकल कर ही रहेगी। बंगाल के अंदर परिवर्तन सुनिश्चित है। ममता बनर्जी का डर मैं समझ रहा हूं मगर डर दूर करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ये जनता का कॉल है। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता आपको हटाना चाहती है, जनता भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहती है और हम जनता के बीच में जरूर जाएंगे। धन्यवाद। मित्रों एक एक करके हम प्रश्न लेंगे। रविकांत न्यूज में से मैंने ऐसा नहीं कहा, हम कानून के तहत ही करेंगे, हम हमारी न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे और तीनों कार्यक्रम होंगे। बाकी के दो मतलब ये कैंसल नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ है, पहले आप इस स्पष्टता से समझ लीजिए। और यात्रा अपने डिजाइन के हिसाब से हर गांव में जाएगी, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी और बंगाल के जन जन तक जाएगी। पायल देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, जनता का कोऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रही है और मैं मानता हूं लोकतंत्र के अंदर जनता तय करती है कि चुनाव में कौन जीतेगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है वरना कभी परिवर्तन नहीं होते। अनामिका रत्ना देखिए, मुझे 2014 से अब तक का पूरा इतिहास मालूम है। मेरी बंगाल में 23 यात्राएं हुई, 23 बार मैं बंगाल गया हूं। भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यक्रम हुए, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार बंगाल गए हैं। एक भी हमारे कार्यक्रम के बाद अगर कौमी दंगे बने हो तो उन्होंने मीडिया के सामने रखना चाहिए। कौमी दंगे पुलिस ने करवाए, तृणमूल कार्यकर्ताओं ने करवाए, कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करवाए। इतने सारे कार्यक्रम हुए कभी नहीं हुए, उल्टा जहां कौमी दंगा होता है वहां हम कार्यक्रम करने का प्रयास करते हैं जागृति फैलाने के लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तुष्टिकरण की एपीसमेंट की पॉलिसी के तहत किसी एक खास वर्ग के लिए काम करता है। राजीव रंजन
अरे क्यों एजेंडा बदल रहे हो यार, राजस्थान में हम जीतने वाले हैं। करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे भैया, रास्ते कहां बंद होते हैं। ऐसा कोई तर्क नहीं है कि कोई कोर्ट इसको रोकेगा, क्योंकि हमने अब हाईकोर्ट के सामने आज हम पूरा रिकॉर्ड रखने वाले हमारे कार्यकर्ता, एक भी जगह कोई दंगा नहीं हुआ है। किस प्रकार से आरोप लगा सकते हैं? राष्ट्रपति शासन तब डाले जाते हैं जब जीतने का दमखम न हो। हमें भरोसा है यहाँ जनता परिवर्तन करेगी। भारतीयों का सवाल नहीं है, स्थिति का वर्णन दोनों कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अरे भाई ये घोड़ा खड़ा है तो दोनों घोड़ा ही कहेंगे ना। कैसी बात कर रहे हो आप, कोई गधा थोड़ी ना कहेगा। एक घोड़ा खड़ा है, कोई पूछेगा क्या है तो सब घोड़ा ही कहेंगे। इसमें सहयोग कहाँ आता है? देखिए दोनों जगह पे राजनीतिक हिंसा हो रही है। एक जगह कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, एक जगह तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, और दोनों जगह भुक्तभोगी भारतीय जनता पार्टी। अब क्या है, वो तो योगी जी ने बयान दे ही दिया है, सब एसआईटी भी बन गई। गार्गी जी यूएन है, कुछ देने की बात नहीं, डायलॉग के लिए कहा है तो वो तो हम निरंतर करते हैं, 5 साल से कर ही रहे हैं। बंगाल कार्यकर्ता सम्मेलन ही होगा, परंतु अभी बंगाल के लोग तय करेंगे, उसके बाद में होगा, कलकत्ते में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।